हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और देखिए मेरे बाबू को गुड मॉर्निंग कर लेना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय हाय कर दो, हाय। हेलो फ्रेंड, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज खड़ी मसूर की दाल। तो उसके लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन और टमाटर और प्याज। इसको हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। लिए खड़े मसाले, मैंने खड़े मसाले में लिया एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काली मिर्च और 4-5 लौंग और एक जावित्री का टुकड़ा। तो हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, काट लिया है, और धनिया पत्ती भी काट ली। तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले ले लेंगे, जैसे कि सूखे मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कर लिया था। और अभी मैंने कुछ नहीं डाला है दाल में, तो हमारे प्याज लगभग भून रहे हैं और अच्छे से भून रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने इसमें पानी डाल के रखा था। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो कि मैंने काट के रखे थे। अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर जो कि मैंने काट के रखे थे, एक टमाटर मैंने काट के रखा था। अब टमाटर भी अच्छे से इसमें भून जाएंगे। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा नमक, 1 चम्मच के करीब, स्वाद के अनुसार भी डाल दें, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत है इतना नमक डाल देंगे इसमें, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए नमक से। तो देखिए मसाला मेरा भुन गया है और अच्छे से भुन गया है, देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसूर की दाल को जो हमने बॉईल करके रखी थी, उसको डालेंगे। और अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड मेरी दाल बन चुकी है और देखिए कैसा कलर आया है दाल का। और दाल आपको कैसी लग रही है दाल, मैंने बना ली है दाल। अब तो देखिए दाल मेरी बन चुकी है, बॉयल हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और तो देखिए मेरी दाल कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आपको अगर मेरी दाल की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय बाय।